फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था जिसको हम कहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अगर मैं अपैरेटस को पहले ड्रॉ करूँ तो इसके डायग्राम कुछ इस तरह से, और अगर मैं अब इसको लेबल करना चाहूँ तो लेबलिंग हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्लेट ए जिसको मैंने ए से लेबल किया हुआ, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यानी कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसको हम कहते हैं एनोड। एंड प्लेट बी इज़ अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट, यानी कि ये बैटरी के या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसको हमने कह दिया कि इट्स कैथोड। जबकि जिसको हमने इस प्लेट को एक हाईली एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर इसको प्लेस किया हुआ, यानी कि ये जो मैंने एक ग्लास ट्यूब शो किया हुआ है, इसको अगर मैं लेबल करूँ तो इट्स हाईली एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, यानी कि एक ऐसे ग्लास ट्यूब को जिसमें अगर मैं हायर इंटेंसिटी या लार्जर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के जब लाइट रेज को मैं इसके अंदर इंसर्ट कराऊंगा तो इससे ग्लास की प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। अब अगर मैं इस जो आइंस्टाइन ने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया, इस प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करता चलूँ, तो इसमें हुआ ये है कि आइंस्टाइन ने एक दो प्लेट्स दी हैं, और कह लेंगे दोनों प्लेट जो हैं यहाँ पर मेटालिक प्लेट्स हैं, और मेटालिक प्लेट्स को बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। अब उसके बाद इस प्लेट पर हमने लाइट रेज को स्ट्राइक करवाया, यानी कि लेकिन ये कौन सी लाइट रेज, एक ऐसी लाइट रेज जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज, यानी कि इसको हम यूवी लाइट कहते हैं, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम इन प्लेट बी के ऊपर इसको स्ट्राइक करवा रहे होंगे, तो अब प्लेट बी जिस तरह हमें पता है कि नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है बैटरी के, तो ये प्लेट बी में इस वक्त यानी कि लाइट को स्ट्राइक करने से पहले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो रेस्ट पे थे। अब जब लाइट रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करना शुरू करती है, तो लाइट रे क्या करती है कि अपनी एनर्जी, जो लाइट रेज की अपनी एनर्जी होंगी, उन एनर्जीज़ को ये इन इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जैसे ही हम लाइट रेज स्ट्राइक कराएंगे तो अपनी एनर्जी जो है वो इनके अंदर डालना शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक इसकी एग्जांपल लूँ कि लेट सपोज़ अगर मैं यूँ कहूँ कि जिस तरह अगर मैं फॉर सपोज़ मैंने एक बुक जो है जो कि इस वक्त एक रूम टेम्परेचर में, उसको जब मैं उठा के किसी धूप वाली जगह में रख दूँ जहाँ पर सन लाइट जो डायरेक्टली आके इसके ऊपर स्ट्राइक करे, तो हम देख सकते फिर हम देखेंगे कि जो बुक है उसकी टेम्परेचर जो है बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि जो सन लाइट की अपनी एनर्जी होती है वो इस बुक में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से इसके टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो वही काम यहाँ हम कर रहे हैं कि हम एक अल्ट्रा वायलेट लाइट को इस प्लेट बी में स्ट्राइक करवा रहे हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की एनर्जी गेन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो कि पहले से रेस्ट की हालत में मौजूद था, इन एनर्जी को गेन करने से उसके अंदर मज़ीद एनर्जी बढ़ गई, यानी कि वो अब रेस्ट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यानी कि एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी गेन करने के बाद जो उसकी कंडीशन होती है, स्टेट होती है, उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इन प्लेट से बाहर निकलना शुरू हो गया, यानी कि इसको अगर मैं यूँ इस तरह शो करूँ कि लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इन प्लेट में से एमर्ज होना शुरू हो गया, यानी कि इसमें से निकलना शुरू हो रहा होगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो सामने वाली प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसकी चार्ज नेगेटिव होती है और सामने प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और अट्रैक्ट करते ही यहाँ मतलब इस सेंटर स्पेस में जो कि पहले एक जिसके मतलब पहले एक गैप था इन प्लेट्स के दरमियान, अब इन इलेक्ट्रॉन की फ़्लो की वजह से ये कंप्लीट चेन फॉर्म कर रहे होंगे, कंप्लीट सर्किट बना रहे होंगे, जिसके बाद जैसी सर्किट कम्प्लीट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन बनाता हुआ एक क्यूब बनाता हुआ इन प्लेट बी से प्लेट ए में आ रहा होगा, तो इस पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही होगी जिसको हम कहते हैं कि इस करंट को हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस पूरे सर्किट से ट्रैवल कर रही होगी, और उस करंट के अमाउंट को हम इस गैल्वेनोमीटर से देख सकते हैं। अब जिस तरह मुझे पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसकी मैग्नीट्यूड जो है, यानी कि इसको मैं कह दूँ कि ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होगी, और इसी वजह से हम यहाँ पर
एक गल्वानोमीटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि गल्वानोमीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लोअर अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो गल्वानोमीटर इस करंट को डिटेक्ट कर रहा होगा, और इस तरह से हमने यहाँ पर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया। और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म जिन्होंने किया सबसे पहले, उसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन, और इन्होंने इस प्रैक्टिकल को सबसे पहले परफॉर्म किया। अगर मैं इसकी डेफिनेशन या इसकी वर्किंग की बात करूं तो कुछ इस तरह से है कि ये इसकी वर्किंग और या फिर डेफिनेशन कह रहे हैं कि व्हेन एन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर मैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं यहाँ पर, तो जाहिर बात जो हम लाइट रेज के ऊपर स्ट्राइक करवा रहे होंगे उस उन लाइट रेज की अपनी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, और ये हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें से एमिट नहीं हो रहे होंगे, बल्कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी यानी कि एक फ्रीक्वेंसी की ख़ास लेवल है कि जिस पर जो है इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से एमिट होना शुरू होंगे। तो जिस लेवल पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने शुरू हो जाए प्लेट से, उस फ्रीक्वेंसी को हम एक्चुअली कहते हैं, यानी कि यही वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हमने यहाँ पे बात किया, और उसका नाम एक्चुअली है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके ज़रिए या फिर जिस पर आके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेट बी से निकल रहे होते हैं और प्लेट ए पर जाके अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। फिर हमने यहाँ पर बताया कि वेन एन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक्स प्लेट बी जिसकी चार्ज नेगेटिव है यानी कि नेगेटिवली चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स इज इन रेस्ट, गेन्स दैट एनर्जी एंड बिकम्स एक्साइटेड एंड स्टार्ट्स टू एमर्जेस आउट ऑफ द प्लेट्स एंड आर अट्रैक्टेड बाई प्लेट ए जिसकी चार्ज पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। इन दिस वे द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड एंड गल्वानोमीटर डिटेक्ट्स द करंट, यानी कि जो गल्वानोमीटर है वो सर्किट के कम्प्लीट करने के बाद जो करंट फ्लो कर रही होती है उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। अगेन जो करंट हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रैक्टिकल को हम कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वाइल जो इलेक्ट्रॉन्स हम एमिट करते हैं इसमें से इन लाइट रेस से उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स।